साउथ इंडियन के एक्शन फिल्में ऑल टाइम एकदम मस्त होता है, और अगर वो फिल्में इंडियन आर्मी सोल्जर पर बेस्ड है तो फिर एक्सपेक्टेशन कई गुना बढ़ जाते हैं। और मुझे लगता है कि हमारे देश की सेवा पर जिन लोगों ने खुद का जीवन सेक्रीफाइस करता है उसका ऑनर पर हम सभी को इस आर्मी वाला फिल्में जरूर एक बार देखना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं 12 हिंदी डब्ड साउथ आर्मी फिल्म के बारे में बताने वाली हूँ, और इसमें मैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम आर्मी फिल्म मैशअप करके बनाई हूँ। और अगर आप आर्मी फिल्म लवर तो वीडियो शुरू से तक जरूर देखना और एक लाइक भी देना। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। नंबर 1, हेबुली। ये 2017 का कन्नड़ एक्शन फिल्म है और इसको डायरेक्ट किया एस कृष्णा ने, और इसमें किच्चा सुदीप, रविचंद्रन और अमला पाल लीड रोल में है। इसमें पैरा कमांडो ऑफिसर राम कैसे अपने फैमिली को बचाने के लिए करप्ट सिस्टम के अगेंस्ट पे फाइटिंग करते हुए इसमें दिखाई गई है, और इसमें किच्चा सुदीप का एक नया अवतार नजर आई है, और इसका IMDb मिला 7.1 out of 10, और इसका हिंदी डब यूट्यूब पर अवेलेबल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुकी हूँ। नंबर 2, वागा। ये 2016 का तमिल आर्मी एक्शन फिल्म है और इसमें विक्रम प्रभु और रानिया राव लीड रोल में है। इसमें एक इंडियन सोल्जर अपने पाकिस्तानी गर्लफ्रेंड को उनके घर पाकिस्तान में छोड़ जाते हैं, और बाद में वो कैसे पाकिस्तानी सोल्जर्स के हाथों में पकड़े जाते हैं वह इसमें दिखाई गई है, और इसमें प्यार के साथ जुड़ा कर आर्मी सोल्जर वाला स्टोरी को दिखाई गई है, और इसका IMDb मिला 3.8 out of 10। नंबर 3, गुडाचारी। ये 2018 का तेलुगु एक्शन थ्रिलर आर्मी फिल्म है और इसमें अद्विशेष और सुभिता लीड रोल में है। इसमें एक यंग एनएसए एजेंट को अपने बॉस को मर्डर करने के झूठे इंजाम से फंसाया जाता है, और बाद में वो इस डार्क मिशन से बाहर निकल के कैसे खुद को बेगुनाह प्रूफ करते हुए इसमें दिखाई गई है, और इसमें काफी सस्पेंस वाला थ्रिलिंग नजर आई है, और इसका IMDb मिला 7.8 out of 10, और इसका हिंदी डब यूट्यूब पर अवेलेबल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नंबर 4, 1971, बियॉन्ड बॉर्डर्स। ये 2017 का मलयालम एंटी वॉर फिल्म है और इसमें कॉम्प्लीट एक्टर मोहनलाल, अरुणोदय सिंह और अल्लू शिरीष लीड रोल में है। इसमें 1971 का इंडो पाकिस्तानी वॉर में परमवीर चक्र ऑनर पाने वाले दो महान फाइटर होशियार सिंह और अरुण खेत्रीपाल की हीरो के फोट को दिखाई गई है, और इस फिल्म में आर्मी सोल्जर की स्टोरी के साथ ही साथ फैमिली जुड़ा कर दिखाई गई है, और इसका IMDb मिला 5.5 out of 10। नंबर 5, तुपक्की। ये 2012 का तमिल एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसको डायरेक्ट किया है A.R. मुरुगदोस ने, और इसमें थलापति विजय और काजल अग्रवाल लीड रोल में है। इसमें एक आर्मी ऑफिसर ने मुंबई सिटी में होने वाले बॉम्ब ब्लास्टिंग को कैसे रोकने की कोशिश करते हुए इसमें दिखाई गई है, और इस फिल्म को विजय के कैरियर में वन ऑफ द बेस्ट फिल्म माना जाता है, और इसका IMDb मिला 7.9 out of 10। नंबर 6, पायानम। यह 2011 का तेलुगु एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसको डायरेक्ट किया है राधा मोहन ने, और इसमें नागार्जुन, प्रकाश राज और पूनम कौर लीड रोल में है। इसमें एक NSG कमांडो रवि कैसे टेररिस्ट के अंडर से हाईजैक करने वाले प्लेन को छुड़ाने के लिए ऑपरेशन चलाता है वह इसमें दिखाई गई है, और इसका हिंदी डब्ड है मेरे हिंदुस्तान की कसम नाम से। और ये फिल्म थोड़ा सा पुराना है, पर इस फिल्म को काफी पॉजिटिव रिव्यू मिला था, और इसका IMDb मिला 7.1 out of 10। नंबर 7, विश्वापुरम। ये 2013 का तमिल एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसको डायरेक्ट किया है कमल हसन ने, और इसमें कमल हसन, राहुल बोस और पूजा कुमार लीड रोल में है। इसमें एक डांस मास्टर विश्वनाथन की वाइफ उसके ऊपर शक्त करके उसके पीछे एक इन्वेस्टिगेटर सेट करते हैं, और उसके बाद कैसे कई सारे नेगेटिव इंसिडेंट घटते हैं और विश्वनाथन की असली आइडेंटिटी बाहर आते हैं वह इसमें दिखाई गई है, और इस फिल्म को काफी पॉजिटिव रिव्यू मिला है, और इसका IMDb मिला 8.2 out of 10। नंबर 8, ना पेरु सूर्या ना इल्लू इंडिया। ये 2018 का तेलुगु एक्शन फिल्म है और इसको डायरेक्ट किया है वकांथम ने, और इसमें स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन, अनु और अर्जुन सरजा लीड रोल में है। इसमें एक एंग्री आर्मी ऑफिसर सूर्या सीमा पर सेवा करने की सपना देखता है, पर उन्होंने एक प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं जब वो एक आतंकवादी को इनकाउंटर करने के वक्त मार डालते हैं, और इसका हिंदी डब है सूर्या द सोल्जर नाम से, और इसका IMDb मिला 6.8 out of 10। नंबर 9, पिकेट 43। ये 2015 का मलयालम ड्रामा आर्मी फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है मेजर रवि ने, और इसमें पृथ्वीराज और जावेद जफरी लीड रोल में है। इसमें एक इंडियन आर्मी सोल्जर कश्मीर के पिकेट में अकेले ही रखभाल करते हैं, और बाद में उसे कैसे एक पाकिस्तानी सोल्जर के साथ फ्रेंडशिप हो जाते हैं वह इसमें दिखाई गई है, और इस फिल्म का कॉन्सेप्ट दूसरी आर्मी फिल्मों से फुली डिफरेंट है।
और इस फिल्म को हाईली पॉजिटिव रिव्यू मिला है और इसका IMDb रेटिंग मिला 7.1 आउट ऑफ 10। नंबर 10, ऑपरेशन गोल्डफिश। ये 2019 का तेलुगु पैट्रियोटिक एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसमें आदि नीथिया और सैशा लीड रोल में हैं। इसमें कश्मीर में कमांडो का एक ग्रुप कैसे गोल्डफिश नाम से पहचान जाता मिस्ट्रियस टेररिस्ट मास्टरमाइंड को खत्म करने के लिए फाइटिंग करते हुए इसमें दिखाई गई है और इसका IMDb रेटिंग मिला 4.3 आउट ऑफ 10। नंबर 11, मूंड्रम उल्लागापोर। ये 2016 का तमिल वॉर फिल्म है और इसमें सुनील कुमार अकेला लीड रोल में है। इसमें इंडिया और चाइना की वार के वक्त एक इंडियन सोल्जर ने चाइनीज सोल्जर के कैंप पर फंस जाता है और बाद में वो कैसे अपने जीवन बचाने की कोशिश करते हुए इसमें दिखाई गई है और इसका हिंदी डब है एक और महायुद्ध नाम से और इसका IMDb रेटिंग मिला 4 आउट ऑफ 10। नंबर 12, पराम वीरा चक्र। ये 2011 का तेलुगु आर्मी एक्शन फिल्म है और इसमें नंदमूरी बालाकृष्ण अमीषा पटेल लीड रोल में है। इसमें एक फेमस एक्टर और एक आर्मी मेजर एक ही जैसे दिखते हैं और वो फेमस एक्टर को आर्मी की जगह लेने को कहा जाता है और बाद में वो कैसे अपने दुश्मनों से लड़ाई करते हुए इसमें दिखाई गई है। नंबर 13, कंदाहार। ये 2010 का मलयालम वॉर फिल्म है और इसको डायरेक्ट किया मेजर रवि ने और इसमें कॉम्पिट एक्टर मोहनलाल अमिताभ बच्चन और गणेश लीड रोल में है और इसमें 1999 में इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 814 का हाईजैकिंग का ऊपर स्टोरी को दिखाई गई है और ये मेजर महादेवन फिल्म सीरीज का थर्ड इंस्टॉलमेंट है और इसका IMDb रेटिंग मिला 3.3 आउट ऑफ 10। नंबर 14, कंचे। ये 2015 का तेलुगु वॉर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है क्रिश ने और इसमें वरुण तेज प्रज्ञा जायसवाल और निकितिन लीड रोल में है। इसमें हरि और ईश्वर दोनों सोल्जर्स ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाजी फोर्सेस में फाइटिंग करते हैं पर बाद में हरि को कैसे अपने प्यार और जीवन को सेक्रीफाइस करना पड़ता है वह इसमें दिखाई गई है और ये फिल्म तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का फर्स्ट फिल्म है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर बेस्ड है और इस फिल्म को नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म और स्टेट नंदी अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म मिला है और इसका IMDb रेटिंग मिला है 8 आउट ऑफ 10। मैं और एक फिल्म में ऐड करना चाहती हूँ जो है सैर लड़ू निकिप बड़ू जो 2020 का एक्शन कॉमेडी आर्मी फिल्म है और जिसको डायरेक्ट किया अनिल रवि बुदी ने और इसमें प्रिंस महेश बाबू रश्मिका मंदाना लीड रोल में है और इसमें एक इंडियन आर्मी मेजर अजय कृष्णा कैसे अपने देश को बाहर के थ्रेट से बचाने के लिए फाइटिंग करते हैं वह इसमें दिखाई गई है और इसमें महेश बाबू को काफ़ी प्रॉमिसिंग रोल में नजर आई है और ये तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का 2020 का फर्स्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई और इसका IMDb रेटिंग मिला है 7.1 आउट ऑफ 10 और कुछ ही सालों के अंदर इसका हिंदी डब्ड आने वाले हैं। तो दोस्तों, अब सैर लड़ू निक्की बड़ू का हिंदी डब्ड के लिए कितना एक्साइटेड है कमेंट करके बताना। तो दोस्तों, ये रहा 12 साउथ इंडियन हिंदी डब्ड आर्मी फिल्म के बारे में। इन सभी फिल्मों से कौन सी फिल्म आपको अच्छी लगी और कौन सी फिल्म आप ऑलरेडी देख चुके हो कमेंट करके बताना और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सर की बॉलीवुड और साउथ इंडियन मूवीज अपडेट पाने के लिए मंशीजन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।